नमस्कार, स्वागत है आपका नागरी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द दाल की कचौड़ियाँ। इसके लिए हमने लिए 250 ग्राम मैदा, इसमें डाल दिया हमने अजवाइन, नमक और 40 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर हम मैदा लगा के पानी की सहायता से एक तरफ ढक के रख देंगे। यहाँ पर ली हमने उड़द की दाल, इसको हमने दरदरा पीस लिया है। ये डाल दी हमने तेल, उसमें डाल दिया है हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट, सौंफ भी डाला है इसमें, और ये डाल दी ग्राइंडेड दाल, इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक और 4-5 चम्मच बेसन, और ये डाल दी लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी। ये थोड़ी सी दाल और पीस दी हमने और इसको भी भून लिया। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, मैंने पतली कढ़ाई में रख दी थी, अब मैंने हैवी बॉटम की कढ़ाई में रख दी है भूनने के लिए, वहाँ चिपक रही थी दाल। हमने डाल दिया चाट मसाला और अमचूर पाउडर। आप ऐसी गलती मत करिएगा। यहाँ पर हमारी मैदा जो ढक के रखी थी वो तैयार है। अब लोइयाँ तोड़ के हमने बेलना शुरू कर दिया, स्टफिंग डाली 2 चम्मच, अच्छे से भर दिया इसको और कवर कर दिया है, हल्के से बेलन से बेल दिया हमने। और ये हमारी कचौड़ियाँ सिककर तैयार हो गई हैं, अच्छे से गोल्डन कलर आ गया इनमें, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब ये कचौड़ियाँ खाने के लिए तैयार हैं। कितनी क्रिस्पी बनी हुई है हमारी कचौड़ियाँ, तो चलिए एंजॉय करते हैं।